हम सभी को सप्ताह का इंतजार रहता है, सोमवार से लेकर रविवार तक। हमारा सप्ताह कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, क्या हमें रूपरेखा रखनी चाहिए, किस तरह से हम इस सप्ताह को बिता सकते हैं, तो ये तो आप सब सुनते ही रहते हैं। यहाँ मैं आपको उपाय भी लेकर आती हूँ, किस शब्द का आपको प्रयोग करना है, क्या आपको मंत्र का जाप करना है और क्या आपको लकी कलर, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे। मैं आपकी यशोदोष एस्ट्रोलॉजिस्ट गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, 27 मार्च को सोमवार है और 2 अप्रैल को रविवार है, ये सप्ताह आपके लिए क्या क्या लेकर आया है, आपको इसे बनाए रखने के लिए या जो भी परेशानियां उन्हें दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, यानी कि जन्मांग में आपकी जो भी चंद्र राशि है, आपकी कुंडली में जो भी चंद्र राशि, चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है, उसके आधार पर देख सकते हैं। या आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो जो आपका प्रचलित नाम, इस समय जो आपका नाम है, उस नाम पर पड़ने वाली राशि के आधार पर भी आप इस प्रयोग को देख सकते हैं और करके आप इनसे अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस 3:11 पर आपको विशेष वीडियो देती हूँ आपकी समस्याओं के आधार पर, 7:30 पर आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, इन्हें भी आप देखेंगे तो हैरान करने वाले इनके फायदे देखकर आप इन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो उन्हें भी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेष राशि की बात करूँ तो इस सप्ताह मेष राशि के लिए आपको, क्योंकि धन भाव से चंद्रमा का गोचर होगा, जिससे कि आपके पंचम भाव तक जाने वाले हैं चंद्रमा, जहाँ लाभ के सारे ही रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, आपको धन आगमन के मार्ग होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी विशिष्ट पद की भी प्राप्ति आपको हो सकती है, आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में सफलताएँ मिलेंगी। इस सप्ताह को आपको जो कलर है आपका वो बनता है वाइट, और जो आपके लिए शब्द बनता है, इस सप्ताह का जो आपके लिए शब्द बनता है वो है हनुमान जी वाला हा, और आपको दुर्गा जी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप डेली एक आप माला जाप करेंगे, आपके लिए ये सप्ताह और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आप इस सप्ताह पा सकते हैं। बात करूँ वृष राशि के लिए, चंद्रमा आपकी राशि पर बैठा हुआ है, यहाँ से भ्रमण करता हुआ आपके लिए धन भाव से हो तो कर्म भाव पर जाएगा, तो ये सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से फायदा देने वाला है, आपके कहीं कार्य अटक रहे हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, आपका परिश्रम काम लाएगा, आपको जनता में, लोगों में आपको वाहवाही मिलेगी। इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए आपका या दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टूडेंट के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो इस समय को आपको पूरी तरह से इसका यूटिलाइज़ कीजिए, यानी कि इसका लाभ उठाइए। आपको इस समय लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखिए, और इसके साथ ही आपको सूर्य देव की आराधना करनी है, ओम आदित्य है नमः मंत्र का सूर्य के सामने आपको खड़े होकर जाप करना है, जल अर्पित कर सकते हैं तो जल भी जरूर अर्पित कीजिए। मिथुन राशि की बात करूं तो आपके लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, खर्च होते भी रहेंगे और आपके धन आगमन के मार्ग भी खुले रहेंगे, तो कहने का मतलब है कि आप जॉब व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए धन आगमन के मार्ग भी हैं, तो साथ में खर्चे भी लगे रहेंगे, रोग बीमारियों पे भी आपका खर्चा हो सकता है, स्टूडेंट है तो थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगेगा, इधर उधर मन भटकेगा, चंचल मन है, तो इसे संतुलित करने के लिए जो मैं आपको उपाय दे रही हूँ उन्हें कीजिएगा। आपको पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखना है, और साथ ही आपको दुर्गा जी का मंत्र है ओम दुर्भाग्य नाशिनी तुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की एक माला डेली आप जाप करेंगे, 31 बार आप इसका डेली जाप करेंगे। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए चौतरफा लाभ लेकर आएगा, सभी तरफ से आपको लाभ के रास्ते खुलेंगे आपके लिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको सब कुछ प्राप्त होगा, धन भाव से, लाभ भाव में से चंद्रमा का गोचर होता है तो आपको फायदे के रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो,
नौकरी पेशा हों, व्यवसायी हों, सभी के लिए ये सप्ताह बहुत ही अधिक लाभदायक होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। विवाह योग्य हैं तो विवाह के योग भी खुलेंगे। आपको चाहिए, आपको जो कलर है आपका वो क्रीम कलर है। आपको रेड कलर के पेन से टा शब्द अपने हाथ पर लिखना है। शिवलिंग पर आपको जल और दूध अर्पित करना है। पूरे सप्ताह और भी अधिक फायदा मिलने लगेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। इस सिंह राशि के लिए क्योंकि गोचर में लास्ट में चंद्रमा आप ही की राशि से गोचर करेंगे, अभी आपके लिए वो लाभ के रास्ते खोले हुए हैं, सो आपको इसका मिला जुला परिणाम रहेगा। आप वाणी से बोले हुए कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, आप स्टूडेंट हैं, तब भी आपको लाभ के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए। आपके लिए जो लकी कलर बनता है वो पीला है और जो शब्द बनता है वो देवता वाला दा। आपको इसको हल्दी से या येलो कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखिए और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की नियमित एक आप माला जाप करेंगे, लाभ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। आपके लिए जो रास्ते हैं आपके लिए, आपको भी ये सप्ताह वैसे तो देखा जाए सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन आप चाहते हैं आपके लाभ के रास्ते और खुल जाएं, तो आपको चाहिए कि आप सभी किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हों, चाहे जॉब हो चाहे व्यवसाय हो, आप स्टूडेंट हो या आपका लव लाइफ, सभी कुछ यहाँ पर आपके लिए ये सप्ताह बेहतर रहेगा। और सभी क्षेत्र में आप जहाँ भी सफलता चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो सब आप कर पाएंगे। आपको चाहिए कन्या राशि के जातकों को क्रीम कलर का प्रयोग कीजिए। वरुण वाला वा आपको रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखेंगे और साथ में गणेश जी को दूध घास अर्पित करते हुए ओम गंगापते नमः का 27 बार डेली जाप करेंगे, तो ये सप्ताह आपके लिए सभी खुशियां लेकर आएगा। आपके वाणी से बोले हुए कार्य सब बन होंगे। तुला राशि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक रहने वाला है। कुछ आपको छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, पेट पांव कमर की तकलीफ हो सकती है, तो ओवरऑल आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। चाहे वो आप स्टूडेंट हों, चाहे वो आप जॉब व्यवसायी हों, सभी के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है। आप उपाय करेंगे तो ये आपके लिए समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, लाल कलर का इस्तेमाल करना है, का शब्द अपने रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखना है और साथ में ही आपको चाहिए ओम नमो नारायण इस मंत्र का आप एक माला जाप करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह आपको छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। धन आगमन के मार्ग खुलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, सभी में आपको अनुकूलता मिले उसके लिए आपको ये उपाय करने हैं। आपके लिए जो कलर बनता है वो क्रीम कलर है। शब्द बनता है आपके लिए जो बनता है पवन वाला पा, और इसके साथ में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये सप्ताह आपके लिए सभी तरह से खुशियां लेकर आएगा। अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आप धनु राशि के जातक हैं तो यहाँ आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, चाहे जॉब व्यवसायी हो, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे महिला हो। आपको जो कलर आपको इस्तेमाल करना है वो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का आप जमकर इस्तेमाल कीजिए। माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखिए और साथ में ही दुर्गा जी का मंत्र ओम दुम दुर्गा है नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। पूरे सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से लाभ लेकर आएगा। अगली राशि है वो है मकर राशि। आपके लिए ये सप्ताह कुछ मिला जुला रहने वाला है। कुछ परेशानियाँ आपको ज़्यादा रहने वाली हैं, मानसिक तनाव हो सकता है। आपको आपका कहीं वाणी से बोले हुए शब्द आप ही को कहीं का आपके शत्रु पैदा ना कर दें, तो इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको चाहिए कि आप इस समय ग्रीन कलर का प्रयोग करें, हाथ पर लिखें नयन वाला ना रेड कलर के पेन से, और साथ में संध्या के समय शनि मंत्र का जाप करें ओम शम शनिश्चराय नमः, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत हद तक आपके फेवर में हो जाएगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए आपके भाग्य का साथ दिलाएगा, आपके लिए आपके लाभ के रास्ते खुलेगा, साथ में शत्रु विरोधी भी आपके शांत होते चले जाएंगे। चाहे आप जॉब में हो चाहे व्यवसाय में हो, आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए आपके लिए जो कलर बनता है वो पिंक कलर है। शब्द बनता है रा रमा वाला रा, और साथ में आपको लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम नीम श्री माँ लक्ष्मी नमः इस मंत्र की आप डेली एक माला जाप करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से लाभ के रास्ते खोल देगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के
लिए ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। लाभ के रास्ते खुलेंगे तो व्यय भी साथ में चलकर आएगा, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए, क्योंकि अपने ही सुख सुविधा पर आप खर्च करने जा रहे हैं। चाहे आप जॉब में हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे छात्र हों, थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन पावर आपका थोड़ा लूज रहेगा, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर अगर स्टूडेंट तो फोकस करेंगे तो सफलता के मार्ग खुले हुए हैं आपके लिए। आपका जो कलर बनता है लाल कलर शब्द बनता है या यति वाला या, और आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी, आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, कार्य बनते चले जाएंगे। दोस्तों ये था 12 राशियों का राशिफल का उपाय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखेगा जरूर। इसके साथ ही दोस्तों मैं जो डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ उसमें आपके मन के विचार भी रखती हूँ, जो जिज्ञासाएं जो आपके मन में चलती रहती हैं विभिन्न तरह से, जैसे कि तुलसी की पूजा कैसे करें, प्याज लहसुन खा सकते हैं, या पूजा पाठ में हम क्या करें, किस समय करें, हम पूजा पाठ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप प्रोसीजर जान सकते हैं, यानी प्रक्रिया जान सकते हैं कुंडली किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, आप कैसे करा सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण, क्या इसमें आपको चार्ज देने होते हैं, किस समय आपसे बात होती है, वो सब कुछ इसमें आप जान सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा अपने अपनों का साथ बना रहें। आप सभी के साथ विदा लेती हूँ।